चलो गाइस, सब लोग कैसे, आई होप आप सभी लोग अच्छे और मैं भी अच्छा। सो गाइस, आज हम है बोहरी बोहरी में। सो मुझे एक दादा इनवाइट किया घर पे, तो ऐसे घर पे आया। सो भैया ने हमें असम का जो गमसा है उसने हमें संबोधना किया है। सो भैया को मैं थैंक यू देता हूँ, थैंक यू भाई। सो अब हम घुमाने के लिए ले जाएगा सर मैं, तो चलिए हम जाते हैं। सो है गाइस, तो ये लोग पूरे किसान है, तो तरबूज खेत का। सो पहले से जान लेता हूँ तरबूज खेत कैसे करता है। अंकल आप कैसे है? अच्छे हैं। अच्छा है। सो आप एक खेत कितने दिन से किया है? ये 3 महीने से किया है। 3 महीने से। कितने एरिया है ये खेत? ये होगा 300-400 बीघा एरिया। 300-400 बीघा। हाँ। सो इस तो एरिया का जो लोग है वो कैसा है? अच्छा लोग है। अच्छा लोग है। सो आप ये अभी तक क्या तरबूज बेचा क्या? क्या नहीं, नहीं अभी नहीं बेचा। तो रमजान में शुरू हो जाएगा? रमजान में शुरू हो जाएगा। रमजान में शुरू हो जाएगा। पानी देना पड़ता है क्या? हाँ, रोज पानी देना पड़ता है, रोज सार डालना पड़ता है। सो क्या क्या देना पड़ता है इस खेत में, थोड़ा बोल दीजिए। इसमें ये बॉलर का जो वो होता है ना, गोबर वो डालना पड़ता है, DAP डालना पड़ता है, यूरिया सार डालना पड़ता है, बहुत कुछ डालना पड़ता है ना। तो आप लोग कहाँ से आया है? दिल्ली से। दिल्ली से। तो इस जगह का नाम क्या, थोड़ा बोल दीजिए। इसका ये तारावारी मदरसा, ये गांव तो तारावारी है, मदरसा सेंटर पड़ता है यहाँ। सो आप लोग किसका अंडर से आया है पे? रूबी भैया के अंडर से आया है। रूबी भैया के अंडर से। तो आप थोड़ा बोल दीजिए इसके बारे में। तो ये लोगों को मैं 60 साल से इधर खेती करने के लेके आ रहा हूँ, तो ये लोग हर साल मेरे अंडर पे आते हैं और बहुत ही अच्छा खेती हो रहा है। तो ये एरिया का नाम है घुमा फुलबरी। तो खेत अभी क्या अच्छा हुआ है? खेत तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। हाँ। तरबूज तो जब पहले रमजान उठेगा वही से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी रेट कितना है इसका? मतलब रेट का अभी तक कोई ठीक नहीं किया है, जब रमजान स्टार्ट होगा तब भी तरबूज उठेगा, उसका बाद ही इसका रेट पता चल जाएगा। जो मार्केट में होता है वही रेट होगा। तो अपना लोग यदि तरबूज निब खोजे होलसेलर हिसाब से बिक्री करा है, तो एड्रेस तो हल घुमा होलबारी मार्देशा सेंटर। तो मोर कॉन्टेक्ट नंबर तो यहाँ दे दीम, तो अपना लोग जोाजोग कर ले गल। तो तरबूज खेती तो मानने कि स्टार्ट हम मानने आमार जी रमजान माह आई आस 2-3 যোৱাৰ পিছত মানে তৰমুজটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। ও কিছে নেকি দাদা এইটো? ও কিছে নেকি? তৰত ৰঙা হৈছে, মিঠা হৈছে, কিন্তু আৰু ডাঙৰ হ'ব। এইটো মানে ধৰক 2 কিলো 2.5 কিলো মান হৈছে, তো 4 কিলো 5 কিলো মান হৈ যাব। 4 কিলো বা 5 কিলো মান হৈ যাব, মানে তাতকৈ ওপৰত হয়। মানে আমি যে বিক্ৰী কৰোঁ মোটামুটি 2 কিলোৰ ওপৰৰ পৰা বিক্ৰী কৰোঁ। সো বন্ধু অকল কথা পাতি বহুত ভাল লাগিল আৰু দাদাহঁতৰ লগত। তো তৰমুজ খেতিটো সকলো মানুহে খেতি কৰিব নোৱাৰে, আৰু বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি, দিল্লীৰ পৰা মানুহ আহি এই তৰমুজ খেতিটো কৰি আছে। বহুত এৰিয়ালৈকে ইয়াতে তৰমুজৰ খেতি কৰিছে। আপোনালোকে যিমান আপোনালোকে সিমানে ল'ব পাৰিব। সো আপোনালোকে আহক, তো ওপৰত নাম্বাৰ দিয়া থাকিব, সো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব এই তৰমুজ লাগে যদি। সো ৰমজান মাহ আহি গ'ল আৰু তৰমুজৰ ছিজনটো আহি গৈছে। সো এতিয়া গরমও আহি আছে, তো এতিয়া তরমুজৰ যিটো তাৰমানে বিজনেছ সেইটো ভালকৈ চলিব আৰু। তো যিসকলৰ তাৰমানে তরমুজৰ বা দোকান চোকান আছে, তো সেইসকলে তো আপোনালোকে তো তাৰমানে কিনি তো আপোনালোকে বেছি বেছে। সো ইয়াতে আপোনালোকে আহিব পাৰে, বহুত মজা মজা তরমুজ আছে, বহুত সুন্দৰ। সো গাইজ, দাদাই কিবা খাবলৈ তাৰমানে মাতিলে ইয়াতে, তো বহুত ভাল লাগিল আৰু। সো পথাৰৰ খোৱাৰ সোৱাদটো আজি ল'ম আৰু, বহুত ভাল লাগি আছে আৰু। সব বন্ধুসকল, তো আজির ভিডিও ইয়াতে সমাপ্ত করিলো, আর এতিয়া ঘর যাই আছো।
और जिसको सब्सक्राइब और फॉलो करना है अपन जल्दी जल्दी कर दियो। सो आज आज वीडियो समाप्त कर। थैंक यू।